अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं सोनिया डस्टी लवर एसएमआर और मैं हूँ सोनिया। सो व्यूज़, मैंने जो है वो दो टेक्सचर जो है वो न्यू मैं रेडी कर रही हूँ। अभी जो है वो इनिशियली स्टार्ट है बस मेरा भी, तो वो तो जब एंड में जब रेडी हो जाएगा तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह वो भी आप लोग से शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा भी एक अपने टेक्सचर्स में न्यू टेक्सचर्स का इजाफा कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ कि वो कौन कौन से हैं। ग्रे कॉन्क्रीट है ये और बहुत ज़बरदस्त ये है। ये मैं इसको भी जो है वो ख़ुद रेडी करूँगी, इसको मैं ख़ुद रेडी करूँगी हैंडमेड। ये मैं टेक्सचर बनाऊँगी, ये देखें अच्छा खासा है। पहले मैं इसको ऐसा करूँगी, मैं इसको पहले सोक कर लूँगी ताकि थोड़ी सी जो है वो इसकी हार्डनेस जो है वो थोड़ी सी निकल जाए। फिर इसके बाद जो है फिर मैं आपको बताऊँगी। पहले हम इसका करते हैं कि इसको एक खाली टब है इसके अंदर हम इसके अंदर इसको रख देते हैं। फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे ताकि थोड़ा सा जो है ये पहले थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए। थोड़ा सा इसके अंदर वाटर ऐड होगा तो ये मॉइस्ट हो जाएगा। मॉइस्ट होगा तो फिर ये इजी जो है वो क्रशिंग हो जाएगी इसकी, वरना अगर मैं भी करूँगी तो बहुत ज़्यादा ये देखें बहुत ज़्यादा भी हार्ड है। ठीक है, तो अभी जो है वो इसमें थोड़ी बहुत क्रशिंग करेंगे, वाटर ऐड हो जाएगा तो ये थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगा। ये मैं अपना होम मेड जो है वो ग्रे कंक्रीट का जो है वो टेक्सचर रेडी करूँगी। एक नया टेक्सचर जो है वो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपने टेक्सचर्स में। तो ये देखिए, ये काफ़ी जो है वो मेरे पास क्वांटिटी है, तो ये करते हैं इसको ऐड कर लेंगे। ये देखिए अच्छा खासा है मेरे पास ये। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको क्रशिंग के बाद मैं इसको डिवाइड करके दो टेक्सचर्स भी रेडी कर सकती हूँ, मतलब उसमें मैं कुछ और भी ऐड कर लूँ, इसको ग्रेनी भी कर सकती हूँ मैं। तो ये मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है वो आ गया। अभी हम इसमें पानी भरेंगे और इसको थोड़ा मॉइस्ट करेंगे। अच्छा जी जनाब, ये मैंने इसे पूरा रख दिया। अब मैं इसमें पानी जो है वो पोर कर लूँगी। इसके अलावा जो है वो मड रेडी करने जा रहे हैं, इसको भी ज़रा रेडी करेंगे। ये भी अच्छा खासा मेरे पास क्वांटिटी में है मड। ये देखिए, ये भी मैं मड लाई हूँ, इसको भी निकाल देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डिफरेंट कलर में है लेकिन नहीं, क्योंकि ये दो ये मड जो है ना दो कलर में ये कैसी है, थोड़ी ग्रीटी भी है। वो तो हम जब स्ट्रेन आउट करेंगे तो सही हो जाएगा। ये देखें, ये इसका बड़ा चंक है, इसको ऐसा करता हूँ तोड़ देता हूँ ताकि और तोड़ देता सही से। और जितना भी है इसमें भी हम पानी भर देंगे। इसको भी तोड़ देते हैं, अच्छा सा क्रश हो जाएगा तो जल्दी ही जो है वो बन जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। चलिए जी, ये जनाब ये हो गया, इसको भी तोड़ लेते हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं। ये भी मुझे बड़ा चंग नज़र आ रहा है। अब हम करते हैं दोनों में पानी पोरिंग, वो भी आपको दिखाते हैं। तो जी जनाब, इसमें हम कर देते हैं पानी ऐड अच्छा खासा। आप इसके अंदर स्टोन देख रहे होंगे, मैं ये चेक करूं जो मॉइस्ट हो जाएगा तो ये इजी क्रश हो जाएगा। मैं इसके अंदर अच्छा खासा पानी पोर कर देती हूँ ताकि ये बिल्कुल डिप हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है ये टब छोटा है लेकिन अभी देखते हैं, दूसरे टब में भी शिफ्ट कर देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें हम कर देते हैं अच्छा खासा जो है वो पानी ऐड कर देते हैं अपनी मड में, खूब सारा इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे।
पूरा मैं इसको ऊपर तक जो है वो भर दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने अच्छा खासा पानी जो है वो ऐड कर दिया। अब ये सारी जो है वो मर्च जो है वो अब हम इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं। सारी जितने जितने भी आ रहे हैं इसको अच्छे खासे से तोड़ देते हैं। अगर पत्थर भी आ रहे हैं तो वो डजेंट मैटर, हम छान लेंगे बाद में। जैसे अगर इसके अंदर पानी अभी कम है, मैं इसके अंदर अभी और पानी ऐड करूँगी। व्हाट इज दिस, तिनके विंके भी आएंगे जहर सी बात है। एक खुदाई हो रही थी तो वहाँ से ही मिली है मुझे, ये बिल्कुल चॉकलेट कलर है, बहुत ज़बरदस्त कलर है, देखें ज़बरदस्त कलर है। अब थोड़े थोड़े पत्थर भी आ रहे हैं तो उसको भी निकाल देते हैं, डजेंट मैटर हमारे ये जैसे इस तरह के आ रहे हैं हम फेंक देते हैं पत्थर को। अच्छा जी जनाब, हम इसमें और पानी ऐड कर रहे हैं, स्टोर देंगे ज़रा ओवरनाइट। बाकी का प्रोसेस तो आप लोग को पता ही है, मुझे आपको सिर्फ एक ये वॉन्ट टू टेल यू कि मैं दो नए टेक्सचर जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो एक ग्रे कंक्रीट का है और एक मेरी न्यू मड जो है वो रेडी हो रही है। तो जब इसका वो फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं डेफिनेटली मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा बहुत छोटा सा बस एक व्लॉग था, मैंने कहा मैं बना लूँ। अब देखिए इसका कलर क्या आता है, मुझे जो है वो कलर डार्क चाहिए। अगर ये डार्क हुई, क्योंकि ये जो है वो लाइट कलर है, ये जो है वो स्किन कलर की होती है, ये स्किन कलर की मड है जो मैंने रेडी की थी, और ये जो है ये स्किन कलर की मड है, देखें ये देखें ये स्किन कलर की है। और मैं ज़रा चाह रही थी कि कोई डार्क चॉकलेट कलर की हो, तो देखें ये कैसे बनती है। तो फिर मैं इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी आप लोग को दिखाऊंगी। ओके, बस ये छोटा सा मैंने अपडेट देनी थी कि दो नए टेक्सचर जो है मेरे रेडी हो रहे हैं, मैं ऐड कर लूँगी अपने दो नए टेक्सचर। ओके जी, थैंक यू। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सोनिया डस्ट लवर एसएमआर को। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।